अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 अक्टूबर 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, एक बात आपको पहले हम कंफर्म करते हैं, सिर्फ 5 छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, फेल का मतलब फेल होता है। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा, करे कोई और भरे कोई। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कॉलेज वाले आपकी कोई ना कोई गलती कर जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों आप इस बार प्रमोट नहीं हो पाएंगे। काफी छात्रों के एक मैसेजेस आ रहा था हमारे पास कि सर जी, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप का नंबर नहीं जोड़ा गया है, या इंटर्नशिप में आपको हमको 0 नंबर मिल गया है, हम अब्सेंट हैं। या दोस्तों कुछ बच्चों के मैसेजेस आए कि सर हम प्रैक्टिकल में फेल हो गए। ठीक है, कॉलेज वालों ने फेल कर दिया होगा, फीस आप नहीं दे पाए होंगे, या कोई और कारण हो सकता है। तो देखिए गाइस, जो हमारा आदेश आया था, आदेश में क्लियर मेंशन किया गया है कि सिर्फ पास हुए छात्रों को ही प्रमोट किया जाएगा। देखिए आप प्रैक्टिकल को हल्के में नहीं ले सकते, जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होती है वो बहुत ही सीरियस परीक्षा, वो भी है आपके पेपर की तरह। लेकिन होता है क्या है कि कॉलेज वाले पैसे ले लेते हैं, उसके बाद सब कुछ आसानी से हो जाता है और हमें इसका पता नहीं चलता। तो अगर आप डीएलएड 2019 बैच के छात्र हैं तो आपको इससे सबक लेना है कि आपके कॉलेज वाले जैसे पैसा वैसा मांगे, ठीक है, आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या करना है, नहीं तो कॉलेज वालों के पास बहुत पावर होती है, आपको नंबर वो 0 दे देंगे, बाकी आपका करियर खराब कर देंगे। तो करियर खराब कैसे होगा दोस्तों, जो बच्चे 2018 बैच के हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वो इस प्रैक्टिकल की परीक्षा या इंटर्नशिप के नंबर के कारण प्रमोट अब नहीं हो पाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही सीरियस पेपर ये भी होता है, अगर आप इसको हल्के में लिए तो उसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ेगा। मानते हैं कि गलती आपकी नहीं है, करा कोई है भरा कोई है, ठीक है, मतलब करे आपके कॉलेज वालों ने, भरना आपको पड़ेगा। कैसे भरना पड़ेगा? आपका एक साल खराब होकर। एक और अपडेट दोस्तों आपके इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अभी आपको दोस्तों पता होगा कि जैसे 8000 पदों पर शिक्षक भर्ती आपने देखी थी आ रही है, तो उसका सच क्या है? देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल में हर साल निकलने वाली 7 से 8 हज़ार अध्यापकों की निकलने वाली फर्जी भर्ती की हकीकत भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्त, ये फर्जी भर्ती क्या होती है, कैसे दोस्तों आपको लूट लिया जाता है? और आपको बता दें, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सभी बच्चों से कम 500 रुपये लिया जा रहा है। तो इसका हकीकत हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, की भर्ती का मतलब विज्ञापन दोस्तों बहुत ही जल्द आने वाला है। इसके लिए भी आपको तो मौका मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम दोस्तों अपडेट आपको हम दे देते हैं कि कौन सी नौकरी आ रही है, कौन सी नौकरी नहीं आ रही है। एक और अपडेट दोस्तों, 17,000 शिक्षकों की भर्ती इसी महीने होगी, लिखित परीक्षा के जरिए होगी यह भर्ती, जल्द आएगा विज्ञापन। तो दोस्तों मतलब जो 17,000 पदों की शिक्षक भर्ती होगी उसका पेपर इस महीने तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका जो विज्ञापन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो इस महीने से शुरू हो जाएगा। तो क्या दोस्तों यहाँ पर डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं। डीएलएड छात्रों के लिए एक और नोटिस जारी की गई है, उस नोटिस को हम इस वीडियो में देखेंगे। नई शिक्षक भर्ती का जानेंगे सच जो आई है, ठीक है। तो डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीएनपी के अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। कुछ और अपडेट दोस्तों हम देखेंगे। सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों हमारे देश की ये भी है, जो कि दोस्तों आपने इस तस्वीर को देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये है प्रियंका गांधी, और देख रहे हैं पुलिस वाले की हिम्मत। क्या है दोस्तों अपडेट कि नोएडा में प्रियंका गांधी का कुर्ता पकड़ने के मामले में जांच के आदेश हुए हैं, महिला अधिकारी को मिली है जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतनी बड़ी शख्सियत की दोस्तों मतलब पुलिस वालों की हिम्मत देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों डीएलएड में काफ़ी लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, ठीक है, मतलब आप लोग में देखिए काफ़ी लड़कियाँ हैं जो कि सोचती हैं चलो हम भी धरने में जाएंगे या कुछ करेंगे। तो देखिए, अगर आप जाती हैं कभी तो ये पुलिस वालों से बचकर रहिएगा। ये आपके सामने हम तस्वीर क्यों रख रहे हैं, ये दोस्तों बहुत ही बड़ी शख्सियत है। प्रियंका गांधी मतलब क्या छोटा मोटा नाम है क्या? तो उनके साथ दोस्तों पुलिस वाले जब ऐसा कर सकते हैं तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके सामने गाइस, हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, और इसमें देखिए इसमें जांच के आदेश भी हो चुके हैं, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का सच है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट में बात करेंगे कि आखिर प्रियंका गांधी ने बोला कि आखिर हाथरस के डीएम को कौन बचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या डीएम के पास इतनी पावर होती है कि वो मीडिया को ना जाने दे या कुछ भी करें?
लेकिन डीएम के पावर के पहले हम बता दें दोस्तों, सरकार के पास क्या पावर है। सरकार 2 मिनट में चाहे तो दोस्तों डीएम का तबादला कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है कोई ना कोई रीजन देकर। अब जबकि दोस्तों आप देखेंगे विक्टिम या पीड़ित के घर वाले बार बार डीएम पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, धमकी दे रहे थे या क्या कह रहे थे, तो दोस्तों अभी तक उन पर मतलब गाज क्यों नहीं गिरती है, मतलब अभी तक वो सस्पेंड क्यों नहीं होते हैं। चाहे दोस्तों यहाँ डीएम की बात कर लें, या दोस्तों अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो डीएलएड के छात्र, तो डायट के टीचरों की बात करें वो भी डीएम से कम तो होते नहीं है, ठीक है। वो भी दोस्तों आप पर मतलब अलग अलग तरह से तानाशाही करते हैं, काफ़ी छात्रों के मैसेजेस आए तब की हम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज वाले बहुत ही टेंशन देते हैं, प्रेशर बनाते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, कुछ भी अपडेट्स आपसे छूटेगी नहीं। सबसे पहले दोस्तों इस अपडेट को हम जरा देखते हैं, जो ये वैकेंसी आई थी काफ़ी छात्र सोचे थे यार हम भी अप्लाई कर दें, तो क्या सच है इसका। देखिए कृपया करके ये पोस्ट शेयर करें और अपने साथियों और परिचितों को अवगत कराएं। क्या अपडेट क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल सरकारी संस्था नहीं होती। जैसा कि पब्लिक शब्द का अर्थ सबको पता होता है, लेकिन बहुत लोग आर्मी नाम पढ़कर ही भ्रमित हो जाते हैं और फॉर्म भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। ये पहली लाइन है, तो मतलब ये दोस्तों सरकारी संस्था नहीं है। दूसरी चीज, हर साल दोस्तों 7,000 से लेकर 8,000 अध्यापकों के पदों के लिए AWES सोसाइटी जो कि एक संस्था है उसके द्वारा यह कहकर विज्ञप्ति जारी की जाती है कि AWES की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही आपको अध्यापक लगाया जाएगा। तो आपको बता दें कि हर साल नवंबर माह के पहले सप्ताह के पहले रविवार को AWES सोसाइटी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाता है और हर बार लगभग 2 से 3 लाख अभ्यर्थी ये परीक्षा देते हैं और लगभग 25,000 या 30,000 अभ्यर्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। कितने होते हैं, 25 से लेकर 30,000 तक। ये दोस्तों जो मैसेज हम आपके सामने पढ़ रहे हैं ये सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल था, तो हमने सोचा कि ये आप तक भी पहुंचा दिया जाए। उसके बाद देखिए, उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को एक कार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक कार्ड जो सिर्फ 3 साल के लिए वैध होता है। यानी अगर आपको किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर 3 साल के अंदर नौकरी नहीं मिली तो आपके द्वारा उत्तीर्ण किया हुआ कार्ड वैध नहीं रहेगा। तो ये क्या चीज़ है, अब देखिए चौथा पॉइंट, AWES एग्जाम आपको शिक्षक नहीं बनाता, वो लोग आपको सिर्फ एक कार्ड देंगे जिस पर सिर्फ ये लिखा होगा कि आपने AWES एग्जाम उत्तीर्ण किया है। ये कार्ड दोस्तों सीटेट की सर्टिफिकेट की तरह सिर्फ एक एलिजिबिलिटी कार्ड होता है, जैसे दोस्तों आप UPTET या सीटेट की परीक्षा पास करते हैं ना, बस वही। उसके बाद देखिए, AWES एग्जाम देने से अच्छा होगा कि आप सीटेट एग्जाम दीजिए, जिससे मतलब आप कम से कम केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी अध्यापक लग सकते हैं। असली हकीकत तो AWES एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को ही पता चलती है कि आपको विभिन्न जगहों पर स्थित आर्मी स्कूल में पता करना होता है कि वहां पर कोई पोस्ट खाली है भी या नहीं। जब आप किसी भी स्कूल से में संपर्क करेंगे तो आपको सिर्फ यही कहा जाएगा कि यहां पर कोई पोस्ट खाली नहीं है। फिर अगला पॉइंट है कि स्थानीय क्षेत्रों में अगर किसी भी आर्मी स्कूल में कोई पोस्ट खाली भी होता है तो सिर्फ उसकी जानकारी उस स्कूल वाले अपने स्कूल की वेबसाइट पर ही डालेंगे, और अगर आपको जानकारी मिल भी जाएगी तो आपको उस स्कूल के प्राचार्य के नाम 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक के बैंक ड्राफ्ट के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स 2 से 3 दिन के अंदर पहुंचाने होते हैं। और आप बैंक ड्राफ्ट सिर्फ SBI बैंक से कटवा सकते हैं, जहां आपको 100 रुपये के ड्राफ्ट के लिए 40 या 50 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए भारत में लगभग 160 आर्मी स्कूल हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह स्थित हैं। उन स्कूल में जब कोई पोस्ट खाली होती है, कब उन पोस्ट पर किसी को नियुक्ति कर लिया जाता है, किसी को पता तक नहीं चलता है, क्योंकि आर्मी के सिस्टम में आप लोग RTI भी नहीं लगा सकते हैं। अगला दोस्तों पॉइंट हमारा ये है, ज़्यादातर स्थानीय स्कूलों में वहाँ के ही अध्यापक या अध्यापिकाएँ होती हैं जो या तो किसी आर्मी वाले की पत्नी या फिर कोई रिश्तेदार ही होते हैं। जिनको आर्मी स्कूल में वरीयता दी जाती है वे लोग इंटरव्यू के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं और 2 दिन पहले ही इंटरव्यू वाले दिन ही मतलब वाले रिटर्न प्रश्न पत्रों को अपनी किसी शुभचिंतक तक पहुंचा देते हैं। और आप भी वहां पर इंटरव्यू देने चाहते हैं, वह इंटरव्यू देने के बाद आपको लगेगा कि आर्मी स्कूल में AWES एग्जाम उत्तीर्ण करके आने वाले को अध्यापक नहीं बल्कि क्लर्क भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 10वां पॉइंट सुनिए, आर्मी पब्लिक स्कूल यानी AWES की परीक्षा में शामिल होने से अच्छा है आप खर्च होने वाले कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये में किसी 20 से 30 रुपये दान कर दीजिए, 20 से 25 रुपये का कोई भी अच्छा सा गन्ने या फलों का रस पी लीजिए, बाकी बचे हुए रुपयों से कोई विश्वसनीय फॉर्म भरिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, तो हमने सोचा आप तक ये खबरें पहुँचा दी जाए।
क्या कभी नौकरी मिलती है? जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि 8,000 पदों पर वैकेंसी आई है। तो ये दोस्तों इसकी हकीकत थी। इसमें क्या लिखा था आर्मी में जो भी दोस्तों था, इसमें था कि TGT, PGT और PRT, ठीक है, सभी का दोस्तों नाम मेंशन किया गया था। बाकी हमने मैसेज आप तक पहुँचा दिया है। अब आगे आपको क्या करना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा काम होता है दोस्तों आप तक संदेश को पहुँचाना, मैसेज को पहुँचाना, बाकी आपका जो मन करे कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पर कोई रोक टोक नहीं है, फॉर्म बहुत महंगा नहीं है, फिर से कहेंगे सिर्फ 500 रुपये का फॉर्म है। यहाँ बच्चे दोस्तों लाखों रुपये फंसा देते हैं, लेकिन ठीक है ना। तो थोड़ी सी सच्चाई थी, सोचा हमने आप तक पहुँचा दी जाए। ये रही दोस्तों आज की एक और एक अपडेट। उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं DLED की कौन सी नोटिस जारी हुई है। तो इसका विषय क्या है कि DLED की ऑनलाइन कक्षा या व्याख्यान प्रसारित किए जाने के संबंध में। रोज दोस्तों आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कभी आप पता नहीं करते भी हैं या नहीं करते हैं। बता दें आज 5 अक्टूबर है, आज दोस्तों द्वितीय सेमेस्टर का 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हिंदी भाषा शिक्षक का क्लासेस होने वाली है। फिर 12 से 12:30 बजे के बीच ये दोस्तों सिलाई मशीन पता नहीं क्या क्या। फिर उसके बाद 6 तारीख को कल मतलब 11 से 11:30 व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण। फिर 12 से 1 बजे के बीच संस्कृत क्यों है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट आपके दोस्तों आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक पहले शेयर करिएगा, ये नहीं तो ये वाला जो फॉर्म है ना इसमें बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, कुछ गलत कन्फ्यूजन होती है। तो वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा, आप शेयर करना बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, शेयर करना थोड़ा ज़रूरी भी होता है, ठीक है ना। शेयर करते रहिए वीडियो को और आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए ताकि दोस्तों हम आप तक और ढेर सारे खबरें पहुँचा सके। और दोस्तों जो ये देख रहे हैं ना इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब यार ये पुलिस क्या कर रही है, उनको मतलब पता नहीं कि सामने कौन खड़ा है। तो गाइस जब इनको ये नहीं पता कि सामने प्रियंका गांधी खड़ी है तो हम और आपकी क्या औकात है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना समझ लीजिए कि जो है आपके सामने। तो बिल्कुल मतलब तानाशाही हम कह सकते हैं हो रही है कि भाई प्रियंका वाड्रा एक बहुत ही बड़ा नाम है गाइस, ठीक है। तो इनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। एक और अपडेट हमने सोचा है, देखिए यही जो अपडेट थी ना उसको हमने इसलिए आपके सामने लाए थे कि यहाँ पर एक सरकार का दावा था। देखिए सरकारी विभागों में 3 लाख खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई, ऐसा CM जी कह रहे हैं। ये दोस्तों न्यूज़पेपर की अपडेट से तो हमने सोचा आपके सामने रख दिया जाए। तो शुरू हो रहा है तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, ठीक है ना। बाकी हमने सोचा जो पोस्ट आती है आपके सामने रखा जाए, बाकी नौकरी आपको मिलती है या नहीं वो आप ही जानेंगे। और कोरोना के मामले दोस्तों देख लेते हैं, 24 घंटे में 74,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए, 900 से अधिक लोगों की हमारे यहाँ देश में जान जाती है। मरने वालों का आंकड़ा दोस्तों 1 लाख को पार हो चुका है, 1,02,714 लोगों की अब तक जान जा चुकी है कोरोना वायरस के कारण, ठीक है। देखिए क्या होता है कि आकर आपकी जान तो ऐसे भी जाती रहती है, लेकिन अगर जब आप मर रहे हो उसमें कोरोना अगर आप में है तो उसको यहाँ पर काउंट कर लिया जाता है। तो नंबर दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे देश भाई, दुनिया के 2 नंबर पर इस समय चल रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्दी 1 नंबर पर भी आ सकते हैं कोरोना के मामले में, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में पर डे अमेरिका से डबल केसेस आते ही हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा खतरे वाली बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसके बाद आपको पता है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति मिल चुकी है, तो कॉलेज वॉलेज खुलने वाला, DLED के छात्र तैयार हो जाइए, 15 के बाद आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। कॉलेज जाएंगे तो क्या होता है ना कि जो पेपर के अंदर का डर है, जैसे समय सभी बच्चे डर गए, सेकेंड सेमेस्टर वाले, फोर्थ वाले, थर्ड वाले सभी बच्चे डर रहे हैं। जिनकी बैक लगी है उनके पास भी समय कम है, नहीं लगी है तो भी समय कम है, और सेकेंड वाले बच्चे तो वैसे भी समय कम है। तो समय कम है तो कॉलेज वाले दोस्तों आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं। देखिए बाकी हमने सारी वीडियोस आपके सामने रख दी है, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें दोस्तों आप रियल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ते हैं तो टेंशन भी होती होगी यार कि कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, क्या करें ना करें। तो गाइस हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके नंबर जो आए ना वो बहुत अच्छे वाले हैं, ठीक है। हम तो ये प्रयास होगा ना कि आपके नंबर अच्छे हैं, हम तो कभी नहीं सोचेंगे कि आपके नंबर खराब हो। तो गाइस आप मेहनत करिए, बढ़िया होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप ये कॉलेज वाले गलती करते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस समय दोस्तों हम आपको थोड़ा सा खाली होता है ना अवेयर कर देते हैं कि कुछ चीज़ें कुछ बच्चों के साथ होती हैं और आपको लगता है हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तो अगर आप कभी छोटी मोटी गलती कर देते हैं तो फिर वही होता कि करेगा कोई भरेगा कोई, करेंगे आपके कॉलेज वाले भरेंगे आप, उन्होंने गलती कर दी फेल होंगे आप, साल आपका खराब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात होती है कि अगर आप कहीं आप प्रैक्टिकल टाइम पास हैं, फर्जी होता है ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल में फेल होने का मतलब फेल ही होता है, ठीक है, वो पास नहीं कहा जाएगा, तो ध्यान में रखिए जरा, नहीं तो फिर ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे तो फिर
खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। एक और अपडेट थी, 17,000 पदों की वैकेंसी, ऐसी दोस्तों भर्ती में आपको आवेदन करना होना चाहिए। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अक्टूबर में विज्ञापन जारी करेगा। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद बोर्ड ने भर्ती की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। प्रदेश के 4,502 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से सहायक अध्यापकों के करीब 32,000 पद खाली हैं। वही स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से करीब 17,000 शिक्षकों की इन विद्यालयों में कमी है। देखिए दोस्तों, इस बात को जरा समझिए आप, खाली पद तो 32,000 हैं, लेकिन बच्चों की संख्या कम है, इसलिए दोस्तों ये वैकेंसी 17,000 आ रही है। ठीक है, ऐसे दोस्तों यहाँ पर रूल होता है प्राइमरी स्कूल का भी, जब आप लोग टीचिंग करने जहाँ जाते हैं ना प्राइमरी में, कक्षा 1 से 5 तक, नियम क्या होता है कि अगर आपके स्कूल में 30 बच्चे हैं तो उस पर एक टीचर का रहना जरूरी है। अगर आपके स्कूल में 290 बच्चे पढ़ते हैं तो आपके स्कूल में कितने टीचर की जरूरत है, सिर्फ 3 अध्यापक की जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके स्कूल में 90 बच्चे हैं लेकिन वहाँ पर 5 से लेकर 6-6 टीचर हैं, तो क्या होता है फिर आने वाले जब दोस्तों तबादला नीति आती है, उनको बीच बीच में ट्रांसफर भी टीचरों का कर दिया जाता है। तो इस बात को जरा हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम स्कूल में नौकरी लगे, इंटर्नशिप में जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ाएं कि बच्चे आपके स्कूल के लिए आकर्षित हो जाएं। ठीक है, हमें वहाँ टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को समझेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप लोग ही दोस्त स्कूल में जाकर नहीं पढ़ाएंगे, अगर आपके टीचर नहीं पढ़ाते, तो आप उनको कहिए, फोर्स करिए कि आप पढ़ाइए चलकर, ऐसे काम नहीं चलेगा। गलती वो करेंगे, भरेंगे आप, वो तो नौकरी पा चुके हैं, हो सकता है कि आपके लिए नौकरी ही ना आए। फिर से समझ लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, सरकार का ये नियम कहता है कि अगर आपके स्कूल में 30 बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टीचर की आवश्यकता होती है, एक अध्यापक नौकरी करेगा। अगर आपके स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पर आप पढ़ाने जाते हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों 10 अध्यापक की जरूरत पड़ती है, ये सरकार का आंकड़ा है। ठीक है, अब अगर आप दोस्तों कहिए नहीं यार, हमारे स्कूल में तो सिर्फ 30 बच्चे पढ़ते हैं और लेकिन हमारे स्कूल में तो 5 अध्यापक हैं, ऐसा भी होगा कहीं कहीं, सिर्फ बच्चे 30 तो हैं लेकिन बच्चे अध्यापक कितने, 5 हैं 6 हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो 5-6 अध्यापक हैं उनमें से बचेगा एक, बाकी 4 लोग का ट्रांसफर होगा जल्द से जल्द, या 2 बच जाएंगे। तो ये सब नियम और कानून है, इसको आप समझेंगे तो बेहतर होगा। अगर जो आपके सीनियर टीचर हैं पढ़ाते नहीं स्कूल में, तो उसके वजह से दोस्तों जो भुगतना पड़ेगा ना, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया, हमने आपके सामने रखा कि 32,000 पदों पर वैकेंसी आ सकती थी, लेकिन आ कितने पर रही है, 17,000। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा किसको गया, स्टूडेंट्स को, जब बच्चे ही कम है तो फिर अधिक टीचर की जरूरत क्या है, ठीक है ना। लेकिन इस बार कोरोना आ गया, हो सकता है कि बच्चों की संख्या बढ़े, क्योंकि बच्चों के पास पैसा ही नहीं बचा है, तो कहाँ आप प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड कर पाएंगे करीब घर के बच्चे, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तो वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने को आपको मिली होंगी, एक तो पहले AWS वैकेंसी वाली बात, उसके बाद दोस्तों कॉलेज वाले गलती करेंगे, भरना आपको पड़ेगा पेपर में, दोस्तों बस वही है, तैयारी करिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और फेल का मतलब फेल होता है, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि यार हमारी बैक तो नहीं लगी है लेकिन हम फेल दिखा रहे हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकल में हैं, तो चाहे प्रैक्टिकल में फेल हो चाहे बैक से फेल हो, दोनों एक ही चीज़ें। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जल्दी आएगा लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा, ये भी वैकेंसी में आपको मौका हो सकता ना मिले, क्योंकि आप DLED के छात्रों ने संघर्ष नहीं किया, आप अगर संघर्ष करते तो आपको मौका मिलता है। BEd वाले दोस्तों बच्चे लग गए थे, आपको बता दें दोस्तों BEd के छात्रों में यूनिटी क्या है और DLED में क्या है। गाइस 69,000 भर्ती के बारे में आपने सुना होगा, चलिए उसकी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है BEd वर्सेस DLED छात्रों में कैसे संघर्ष हुआ, कैसे लड़ाइयाँ हुई। BEd वालों बच्चों ने DLED के जो भी दोस्तों मतलब अच्छे लेवल के बच्चे थे, जो कहते हैं कि हम नेतागिरी करते हैं या जो भी करते हैं, उनसे काफ़ी दोस्तों की झड़प हुई। ठीक है, सोशल मीडिया पर काफ़ी मतलब नहीं होता है कि एक दूसरे को गालियाँ सुनाई जा रही थी, लेकिन BEd में क्या था, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। 69,000 का दोस्तों एग्जाम्पल थोड़ा सा दे देते हैं, बाकी अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। 69,000 का दोस्तों जब रिजल्ट आया था तो टोटल पास होने वाले बच्चों की संख्या थी 1,46,000, जिसमें से दोस्तों 97,000 से अधिक बच्चे BEd के पास हुए थे और 38,000 मात्र बच्चे DLED से पास हुए। आप समझिए दोस्तों, डबल से ज़्यादा बच्चे BEd वाले हैं तो क्या उनका दबदबा नहीं चलेगा। और DLED वाले क्या कह रहे थे पता है, DLED के छात्र कह रहे थे नहीं BEd को बाहर करो, BEd को बाहर करो, जब कहना था तब तो कहा नहीं दोस्तों बच्चों ने, तो गलती हुई है। उस समय वैसे हमारा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, जबकि दोस्तों ये मैटर है, जब BEd आया था उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल भी आया है, तो ये दोस्तों पूरा मैटर था कि BEd वर्सेस DLED का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई थी, तो हमने सोचा थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि BEd के पास अब संख्या ज़्यादा है तो
कभी बीएड वाले 10 बच्चे सामने खड़े हो जाएंगे, आप अकेले रहेंगे ना तो आप भी डर जाएंगे। ऐसा ही कुछ किया जाता है बीएड की तरफ से, डराया धमकाया जाता है, उनके पास संख्या ज्यादा है, आपके पास संख्या कम है। तो जितने बच्चे आप डीएलएड में, तो आपको यूनिटी में रहना है, जब आप एकता में रहेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों आप संघर्ष करेंगे तो बढ़िया रहेगा, आपको भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में मौका दे दिया जाएगा, क्योंकि सरकार को भी दोस्तों राजनीति करनी है और सरकार को भी अपना फायदा देखना है। डीएलएड छात्रों की संख्या कम नहीं है, वोट बैंक दोस्तों यहाँ से तगड़ा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर डीएलएड के छात्र एक हो जाए ना तो किसी भी सरकार को पलटने की हिम्मत रखते हैं। लगभग दोस्तों 3.5 लाख बच्चे से ज्यादा, मतलब 18 बैच और 19 बैच में 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे, एक बच्चे के घर में दोस्तों 10 लोग, 15 लोग या 20 लोग वोट बैंक होता है एक बच्चे के हाथ में। ठीक है, उनके घर के 5 लोग कम से कम होंगे, उनके चाचा मामा छोड़ो, मामा चाचा लोग साथ नहीं देंगे, मामा लोग तो है ना, रिश्तेदार भी दोस्तों मिला लिया जाए तो काफी बड़ा वोट बैंक है डीएलएड छात्रों के पास भी। जब शिक्षा मित्रों की संख्या दोस्तों 1,72,000 थी, तो पूरा देश, मतलब उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति शिक्षा मित्रों पर आकर अटक गई थी। तो डीएलएड 2 बैच की सिर्फ हम बात करें, उसके बाद 17 बैच है, ये 15 बैच है, 2020 का नया बैच आने वाला है। तो डीएलएड के पास भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है ना कि यूनिटी नहीं है। जिस दिन एकता आएगी दोस्तों, दिन आपको हर जगह मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल आपके लिए जो नोटिस आई थी वो दिखा दिया गया है, तैयारी शुरू करिए, पेपर की टेंशन वेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। बाकी शिक्षक भर्ती का सब जानिए, उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करिए, सरकारी टीचर बनिए, मौज करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।